आज का टॉपिक है वेरिएबल्स इन जावा। जावा कोड के थ्रू जब किसी मेमोरी लोकेशन को नाम दिया जाएगा या आइडेंटिफाई किया जाएगा तो हम उसे कहेंगे वेरिएबल्स। जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। अब ये जो डेटा टाइप है वो दो तरह के होंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स है जो जावा प्रोवाइड करता है। रेफरेंस वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये दो स्टेटमेंट लिखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है प्रोडक्ट P1, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे P1 है रेफरेंस वेरिएबल जो स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और जब हम लिखते हैं P1 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, तो न्यू प्रोडक्ट से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और P1 इस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। ऑब्जेक्ट सेव होता है हिप मेमोरी में। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर। बाइट का साइज है 1 बाइट, शॉर्ट का साइज है 2 बाइट्स, इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, बुलियन 1 बिट, कैर 2 बाइट्स। फ्लोट और डबल डेटा टाइप फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करते हैं। यहाँ फ्लोट के लिए 6 प्रिसिजन डेसिमल पॉइंट्स होंगे और डबल के लिए होंगे 16। अगर हम जावा डेटा टाइप्स को C++ या C डेटा टाइप से कंपेयर करते हैं तो हम ये देख रहे हैं इंट या कैर का साइज ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जावा यूज करता है यूनिकोड कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड जो कैरेक्टर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है वो दो टाइप का होता है, ASCII या यूनिकोड। ASCII का रिप्रेजेंटेशन 8 बिट्स का होता है और यूनिकोड यूज करता है वेरिएबल एनकोडिंग प्रोग्राम। यूनिकोड को मिला है इंटरनेशनल लैंग्वेज स्टैंडर्ड क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए फ्लोट और डबल दोनों ही यूज होते हैं। बाय डिफॉल्ट फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए डबल कंसिडर किया जाता है। जैसे कि अगर हम लिखेंगे फ्लोट नम इज इक्वल टू 1.5 तो ये एरर देगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, क्योंकि डबल डेटा टाइप में 16 प्रिसीजन्स होते हैं और फ्लोट में 6। फ्लोट लिटरल वैल्यू के आगे लिखा जाता है एफ, जैसे कि फ्लोट नम इज इक्वल टू 1.5 एफ। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लोट कब यूज करना है और डबल कब यूज करना है। अब क्योंकि फ्लोट में कम प्रिसीजन पॉइंट्स है और किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को स्टोर रखना है तो फ्लोट बेटर होगा क्योंकि ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल के लिए ये प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने दोनों डेटा टाइप के वेरिएबल यूज किए हैं और उन्हें डिस्प्ले किया है। तो आउटपुट से हमें ये पता चलता है कि डबल डेटा टाइप के रिजल्ट में कुछ एडिशनल फ्लोटिंग नंबर्स है, इसलिए हम कहेंगे कि एक्सप्रेशन रिजल्ट फ्लोट में एक्यूरेसी देगा। इसी तरह अगर हम मेमोरी स्पेस के बारे में सोचते हैं तो भी फ्लोट बेटर होगा क्योंकि वो कम स्पेस लेगा। लेकिन अगर हम 6 डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो डबल डेटा टाइप बेटर रहेगा। अब इस बात को भी नोट कर लेना चाहिए कि अगर हम डबल या फ्लोट टाइप का वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं और उन्हें कंपेयर किया जाता है तो हम डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू को यूज नहीं करेंगे क्योंकि
इनके डेसिमल वैल्यूज का पता करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है एफ और डी। एफ का डेटा टाइप है फ्लोट और डी का डबल। दोनों ही नंबर्स को हमने वैल्यू असाइन किया है 21.10। अब इस वेरिएबल को 10.01 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट स्टोर किया है F1 और D1 वेरिएबल में। फिर F1 और D1 को डिस्प्ले किया है। ये रिजल्ट दिखा रहा है F1 के लिए 211.21101 और D1 के लिए 211.211। यानी कि दोनों का रिजल्ट अलग अलग है, लेकिन ये तो सेम होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डबल डेटा टाइप का रिजल्ट तो परफेक्ट है, लेकिन आगे भी देखते हैं। अब हमने इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया 0.01 से और स्टोर किया है F2 और D2 में। और अब हमें रिजल्ट मिल रहा है F2 के लिए 2.112.1101 और D2 के लिए 2.112.11 और बहुत सारे जीरोस है, फिर 4 है। देखिए यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप का रिजल्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, लेकिन डबल का नहीं। इसलिए इन डेटा टाइप के साथ यही बेटर होगा कि हम लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज करें और ना कि डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब ये देखते हैं कि इन वेरिएबल्स को वैल्यू कौन से ऑर्डर में असाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कोड लिखते हैं तो यहाँ JVM के इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से होंगे। लोड एक्स सेट वैल्यू 2 to x, स्टोर एक्स। लोड वाई सेट वैल्यू 3 to y, स्टोर वाई। लोड एक्स सेट वैल्यू 2+1 दैट इज 3 to x, स्टोर एक्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारा वेरिएबल एक्स दो बार लोड होता है। इसलिए अब इस कोड को मॉडिफाई करते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ JVM इंस्ट्रक्शंस होंगे लोड एक्स सेट वैल्यू 2 to x, सेट वैल्यू 2+1 यानी 3 to x, स्टोर एक्स। लोड वाई सेट वैल्यू 3 to y, स्टोर वाई। यानी अब हमारा वेरिएबल एक्स सिर्फ एक बार ही स्टोर होता है।